पिछले कुछ टाइम से मैं ना एक ऐसी स्मार्ट वॉच की तलाश में था जिसके अंदर हमें 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिले विद एमोलेड डिस्प्ले और जिसके अंदर हमें ऐप मार्केट भी देखने को मिलती हो। लाइक मैं जब भी बोर हो रहा हूँ भाई मैं अपनी मर्जी की गेम वहां से डाउनलोड कर सकूं और उसके साथ हमें गैलरी जैसी छोटी मोटी फैसिलिटीज तो देखने को मिलती हो, उसके साथ हमें चैट जीपीटी जैसे ऑप्शंस भी देखने को मिले। सो फाइनली आई गॉट अ स्मार्ट वॉच लाइक दैट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हसन है और आज की वीडियो भी काफी ज्यादा लाइक मेरी फेवरेट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं लाइक जिसको अनबॉक्स करने का लाइक पर्सनली मुझे भी इंतजार था। यस आई एम टॉकिंग अबाउट HK9 प्रो मैक्स प्लस। सो लाइक ये स्मार्ट वॉच मुझे रिसीव हो चुकी है, ये मैंने काफी टाइम पहले की ऑर्डर की हुई है, ओवरसीज से मंगवाई थी भाई। लाइक पाकिस्तान में तो भाई हर चीज की कॉपीज पाई जाती है, तो भाई ये ओरिजिनल मिल जाए ये कहाँ पे लिखा है, इसलिए भाई इसको मैंने बाहर से इंपोर्ट करवाया, दैट्स व्हाई इसको आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। जितने भी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई ये वाली स्मार्ट वॉच अनबॉक्स, तो आपने जो जो भी स्मार्ट वॉचेस बोली है भाई वो भी इंशाल्लाह जल्द हमारे पास आ जाएंगी, बस आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सो वेल बात करें स्मार्ट वॉच की तो भाई इसकी वैसे बात करना नहीं बनती, इसको दिखाना ही बनता है क्योंकि ये स्मार्ट वॉच जो है ना वो बहुत ही ज्यादा न्यू फीचर्स के साथ आती है। बस इसके बारे में इन शॉर्ट में यही कहना चाहूंगा भाई, अगर आप एप्पल वॉच अल्ट्रा 8 सीरीज वॉच बाय करना चाहते हो ना तो भाई आप आंखें बंद करके इस स्मार्ट वॉच को परचेज कर सकते हो। ये स्मार्ट वॉच जो है ना वो आपको बिल्कुल एप्पल वॉच के जो है वो मजे देने वाली है। ये आ गई है भाई हमारे पास हमारी स्मार्ट वॉच, तो अभी इसकी अनशॉपिंग करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं। तो इस तरह का बॉक्स हमें देखने को मिल जाता है हमारी स्मार्ट वॉच का। यहाँ पे सबसे पहले हमारी स्मार्ट वॉच का नेम मेंशन किया गया है HK9 प्रो मैक्स प्लस। ये मल्टी फंक्शनल स्मार्ट वॉच है, मतलब आप मल्टीपल टास्क इस एक वॉच के अंदर ही परफॉर्म कर पाएंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे इसके कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स के बारे में बताया गया है, लाइक यहाँ पे आपको चैट जीपीटी देखने को मिल जाता है, उसके साथ यहाँ पे ऐप मार्केट का फीचर है, लाइव फोटो प्रीव्यू कर सकते हो। इस वॉच के अंदर तुम किसी भी तरह की TWS के कोई भी एयरफोन्स जो होते हैं ना, मतलब जो एयरपोर्ट्स होते हैं, वो भी तुम इस वॉच के साथ कनेक्ट करके म्यूजिक वगैरह सुन सकते हैं। यहाँ पे आपको लोकल एल्बम शो कर रहा है, मतलब इसके अंदर तुम लोग फोटो गैलरी इसको कह सकते हो, इसके अंदर तुम लोग की जितनी भी फोटोज है ना जो भी तुमने वॉच के अंदर की होंगी वो तुम लोग को यहाँ पे शो करेगा। देन तुम लोग को यहाँ पे वेस्ट ई बुक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब वही TXT फाइल भी तुम लोग यहाँ पे रीड कर सकते हो। उसके अलावा AI वॉच फेसेस भी तुम लोग इसके अंदर बना सकते हो। देन तुम लोग को यहाँ पे 3D विजुअल्स जो एक्शन होते हैं ना, जो एनिमेशन होती है, वो भी देखने को मिल जाती है। तो बाकी साइड इसकी ऑलमोस्ट प्लेन ही है, बस यहाँ पे इसका कलर मेंशन किया गया है एंड बैक साइड पे थोड़ी बहुत बिल्डिंग हुई हुई है। तो बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे हमारा यूजर मैनुअल देखने को मिलता है। हमें सिखाएंगे किस तरह यूज करते हैं। उसके बाद तुम लोग को यहाँ पे जो है ना वो दो स्ट्रैप्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब इस वॉच के साथ किसी वेरिएंट के अंदर आपको एक स्ट्रैप देखने को मिलेगा और किसी के अंदर आपको दो दो स्ट्रैप्स देखने को मिलेगा। उसके बाद तुम लोग को यहाँ पे चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है जो कि नॉर्मल से स्पीड है। देन तुम लोग को यहाँ पे तुम्हारी वॉच देखने को मिल जाती है। कवर वगैरह इसका यहाँ से रिमूव करते हैं एंड अपने स्ट्रैप्स को लगाते हैं। Oh my God, looks इसकी काफी खतरनाक निकल गया, मतलब स्ट्रैप्स के साथ इसकी लुक बिल्कुल Apple Watch 8 जो सीरीज है ना उसके जैसी इसकी लुक देखने को मिल रही है। और ये तो मेरी इस स्मार्ट वॉच के साथ बिल्कुल मैच कर रही है, मतलब डिजाइन भी सेम, कलर भी सेम। वॉच को टर्न ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे हमें वेलकम किया जा रहा है। लाइक घर वालों ने तो आज तक हमारा वेलकम नहीं किया, वॉच ने किया तो अच्छा अच्छा फील हो रहा है। कौन है यार तू? अब जितने इस स्मार्ट वॉच के अंदर आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं ना उनके बारे में हम बात बैठ के ही करेंगे। नो! अब यार सबसे पहले हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। ये टोटली जो है ना वो टाइटेनियम मेटल से बनाई गई है। इसका ये जो फ्रेम है राइट साइड पे देखो तो भाई यहाँ पे आपको आपका क्रोन देखने को मिल जाता है और ये क्रोन होने के साथ साथ भाई इसका बटन भी है और उसके नीचे यहाँ पे आपको एक छोटा सा माइक देखने को मिल जाता है, उसके नीचे पावर बटन है। लेफ्ट साइड पे देखे तो भाई लेफ्ट साइड पे जस्ट आपको आपका स्पीकर देखने को मिलता है। इस वॉच के अंदर आपको कहीं भी स्पोर्ट्स की देखने को नहीं मिलता। अगर आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज मेजर करनी है आपको वॉच के अंदर जाकर यहाँ से एक्सेस करना पड़ेगा। बैक साइड पे देखे तो भाई बैक साइड पे आपको यहाँ पे इसके स्ट्रैप्स लॉक देखने को मिल जाते हैं दोनों तरफ और यहाँ पे आपके जो है ना वो हेल्थ सेंसर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। सबसे पहले तो भाई इसकी स्किन ऑन होने पे तुम लोग को इसका ये वॉच फेस देखने को मिलता है। इसके सबसे पहले वॉच फेसेस हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें MT8 अल्ट्रा वाला वॉच फेस देखने को मिल रहा है और ये हद से ज्यादा भाई एनिमेटेड है। फेक जो है ना वो एनिमेशन एड नहीं की गई है, देखो मूवमेंट के साथ ये चीज भी मूव करती है, मतलब ये AI जो है ना वो वॉच। उसके साथ यहाँ पे आपको कुछ और भी वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं, मतलब ये कैट वाला भी वॉच फेस आपको दिया गया है। ऑलराइट, मतलब तुम लोग इसको वाकई में फैंटी वगैरह लगा सकते हो। बहुत अच्छी बात है,
जी। इसके अलावा यहाँ पे आपको काफी ज्यादा वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं। ये सभी के सभी जितने भी वॉच फेसेस हैं ये टोटली एनिमेटेड है। यहाँ पे आपको जो है वो नोटिफिकेशन एलईडी भी आपको यहाँ पे शो हो रही होगी रेड कलर की लाइट। ये देखो वॉच को ऑन कर लेते हैं, इसके मेन मेन्यू पे देख सकते हो कितनी प्यारी एनिमेशन हुई है। तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग्स के अंदर चले जाते हैं। सेटिंग्स के अंदर लिटरली इसकी बहुत ही ज्यादा सेटिंग्स हैं। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस के हवाले से आपको सेटिंग देखने को मिल जाती है, मतलब वही रेड डॉट वाली आपको जो बता रहा था मैं आगे, यहाँ से आप उसको टर्न ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे ये देखो नोटिफिकेशन आए तो भाई ऑटोमेटिकली से इसकी स्क्रीन जो है ना वो टर्न ऑन हो जाएगी। एंड ऐसे ही आपको काफी यहाँ पे नोटिफिकेशंस के हवाले से सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। देन यहाँ पे आपको यूनिवर्सल सेटिंग्स देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको मुख्तलिफ लैंग्वेज फैक्ट्री रीसेट एंड शटडाउन वगैरह करने का ऑप्शन दिया गया है। अबाउट में जाए तो भाई यहाँ पे आपको आपके स्मार्ट वॉच के अबाउट में बताया गया है। यहाँ पे HK 9 Pro Max Plus स्मार्ट वॉच इसके वेरिएंट के बारे में बता दिया गया है। यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह सेट करने का ऑप्शन दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे आपको DND मोड मतलब डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी देखो मिल जाता है। इसकी सेटिंग्स तुम यहाँ से कर सकते हो। देन यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग्स आपको देखो मिल जाती है। देख सकते हो भाई इसका डिस्प्ले कितना ज्यादा ब्राइट है स्टिल, और अभी आप इसका जो है वो ब्राइटनेस लेवल देखो भाई हाफ भी नहीं है ये पूरी। अब अगर इसको हम जो है फुल कर दे तो भाई ये देखो ये इसको फुल करने पे भाई ये इतनी ज्यादा चिट्टी हो जाती है कि भाई आपको अंग्रेज भी काले लगने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं आपके डिस्प्ले के वाले से। एंड यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की भी सेटिंग देखने को मिल जाती है। ऑलवेज ऑन स्क्रीन टर्न ऑन हो चुकी है और ये तब तक टर्न ऑन रहेगी जब तक इसकी बैटरी खत्म नहीं हो जाती। ये चीज मुझे लिटरली इस वॉच की काफी ज्यादा पसंद आई। उसके अलावा और भी तुम लोगों को यहाँ पे कॉन्स्टेंट लाइटिंग का भी ऑप्शन मतलब मल्टीपल ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं टोटली डिस्प्ले के हवाले से। इसके अलावा यहाँ पे साउंड एंड टच की आपको कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, देख सकते हो मीडिया ऑडियो कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे आपको ब्लूटूथ की सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, मतलब आप एयरफोन्स वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हो एंड अपनी वॉच को मोबाइल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको भाई जेस्चर कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है, मतलब तुम लोग अपने हैंड जेस्चर से कॉल्स वगैरह अटेंड कर सकते हो, अपनी वॉच को कंट्रोल कर सकते हो। फर्स्ट टाइम इस वॉच के अंदर आपको जो है वो पाम सेंसर भी दिया गया। उसके अलावा भाई सबकी जान रहीम यार खान यहाँ पे पासवर्ड की सेटिंग भी देखने को मिल जाती है। मतलब इस सेटिंग के लिए भाई मैंने बहुत ज्यादा इंतजार किया एंड फाइनली मुझे ये वॉच के अंदर ये सेटिंग देखने को मिल गई है। As you guys can see यहाँ पे तुम लोग को सेट पासवर्ड की सेटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ से तुम लोग इसको टर्न ऑन करके पासवर्ड लगा सकते हो जो कि फिलहाल मैं अभी नहीं लगाने वाला। इसके अलावा यहाँ पे आपको की डेफिनेशन की एक सेटिंग देखने को मिल जाती है, मतलब इन बटन्स को तुम लोग जो है वो मैनुअली सेट कर सकते हो भाई, इनको डबल टाइम प्रेस करने पे कौन सी सेटिंग ओपन हो, मतलब वो सब सेटिंग तुम लोग यहाँ से कर सकते हो। देन तुम लोग को यहाँ पे बैटरी की कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं जिसके बारे में तुम्हें बताया गया भाई कितने परसेंटेज है, कब कितनी यूज हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे टाइम सेटिंग्स के अंदर जाए तो भाई यहाँ पे तुम लोग को 12 आवर वाला फॉर्मेट भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हार्ट रेट सेंसर्स की यहाँ पे तुम लोगों को कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं, इनको भी तुम लोग यहाँ पे आकर चेक कर सकते हो। बेड साइड क्लॉक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, मेन्यू थीम्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, स्मार्ट आइलैंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, मतलब तुम लोग को वहाँ पे चार्जिंग करते टाइम या फिर जब भी तुम लोगों ने यहाँ पे कोई भी म्यूजिक प्ले किया होगा देन तुम लोग को यहाँ पे जो है वो डायनेमिक आइसलैंड शो करेगा। सबसे पहले इसके जो मेन्यू स्टाइल्स है ना वो हम देख लेते हैं भाई। देयर वी गो, यहाँ पे सबसे पहला वही मेन्यू स्टाइल है भाई जो हमें एप्पल वॉच अल्ट्रा के अंदर देखने को मिलता है। 4 से 5 मेन्यू स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। अब उसके अलावा भाई इस वॉच के अंदर आपको यहाँ पे ऐप मार्केट का भी फीचर दिया गया है, मतलब तुम वो अपना मोबाइल कनेक्ट करके यहाँ पे कोई भी गेम इंस्टॉल कर सकते हो, किसी भी तरह का कोई भी ऐप इंस्टॉल करना चाहो वो कर सकते हो। हाँ ऐसा नहीं है कि भाई ये प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा वहां से इंस्टॉल कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा भाई, इसकी अपनी ही ऐप मार्केट है जहाँ से तुम लोग गेम्स एंड ऐप्स वगैरह डाउनलोड कर पाओगे। उसके अलावा तुम लोग को यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब इसके अंदर ज्यादा पिक्चर्स तो आप ऐड नहीं कर सकते, मतलब 4 से 5 फोटोज ही तुम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देन आपके स्मार्ट वॉच का यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो है वो स्पोर्ट्स की कहीं भी देखने को नहीं मिलता। अगर तो आपको इसको एक्सेस करना है तो आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पे आना पड़ेगा, यहाँ पे तुम लोग को इसको ओपन करने के बाद ही आपको स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलता है। यहाँ पे तुम लोग गेम्स तो इंस्टॉल कर ही सकते हो जो कि आपको यहाँ पे शो करेगा बिल्कुल लास्ट पे। इसके अलावा यहाँ पे इस वॉच के अंदर कुछ बिल्ट इन गेम्स भी देखने को मिलती है, मतलब वो इंस्टॉल करो इंस्टॉल करो, गेम्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि भाई ये इंस्टॉल्ड हैं, ये पहले से बिल्ट इन गेम्स, इसके अंदर 2 गेम्स आपको देखने को मिलती हैं। अब
यहाँ पे इसके ऊपर से नीचे को स्वाइप करने के बाद यहाँ पे आपको सभी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलते हैं, और जो भी नोटिफिकेशन आए होंगे भाई उसका आपको यहाँ पे जो है ना वो आइकन भी शो करेगा। अगर मेरा इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन है तो इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन शो करेगा, मतलब जितने भी एप्स होते हैं उन सभी के आपको जो है ना वो आइकन भी यहाँ पे शो किए जाएंगे नोटिफिकेशन के साथ। सो दैट्स ऑल गाइस, मुझे लगता है कि भाई मैंने इसके जितने भी फीचर्स है ना वो कवर कर लिए हैं। अब तुम्हें मुझे बता देना अगर कोई फीचर मिस कर दिया तो मुझे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बता देना, उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। जितने भी हाइलाइटिंग फीचर्स थे ना वो मैंने इसके अंदर कवर कर लिए। ये स्मार्टवॉच तुम लोगों को कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इसका बेस्ट फीचर तुम लोगों को कौन सा लगा, हम ना रेट करते हैं भाई। मुझे बताओ इसको 10 आउट ऑफ तुम कितना रेट करना चाहोगे स्मार्ट वॉच को, इसके फीचर्स को, और इस वॉच का तुम लोग किस स्मार्ट वॉच के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इंशाल्लाह हम कंपैरिजन वीडियो भी जल्द ले आएंगे। दैट्स इट गाइस, इंशाल्लाह मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड पीस।